सभी सुंदर साथ को खुद अनकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री खुलासा ग्रंथ का प्रकरण 8 पूर्ण किया। आज हम आगे के नए प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हो उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नूर नूर तजल्ला की पहचान, अक्षर अक्षरातीत की पहचान। बुलाइया निस्बत जान के, देखो मेहर हक की ए। हाय हाय तो भी इसकन आवत, अरवा अरस कीजे। हे ब्रह्म आत्माओं, धाम धनी ने तुम्हें अपनी अंगना जानकर परम धाम बुलाया है। धनी की इस कृपा को तो देखो, किंतु खेद की बात तो यह है कि इतना होने पर भी परम धाम की आत्माओं में प्रेम भाव जागृत नहीं हो रहा है। ए महर भई मोमिनो पर, समझत नाही कोई। सो कोई तो समझे, जो पहचान हक की होए। ब्रह्म आत्माओं पर धाम धनी की इतनी बड़ी कृपा हुई है, किंतु इसे कोई नहीं समझ पा रहा। इस वस्तुतः जिनको धाम धनी की पहचान हुई है वे ही उनकी कृपा को भी समझ सकेंगे। खावंद अरस अजीम का, सो कहो नेक हकीकत। इन हक बका से मोमिन, रखते हैं निस्बत। अखंड परम धाम के धनी श्री राज्य के विषय में थोड़ी सी बात कह रहा हूँ। ऐसे धाम धनी से ब्रह्म आत्माएं कैसा संबंध रखती है। बका अव्वल से अबलो, किन किया न जाहिर सुभान। नेक कहूं सो बेवरा, ज्यों होए हक पहचान। सृष्टि के आरंभ से आज तक किसी ने भी परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को व्यक्त नहीं किया है। इस संदर्भ में थोड़ा सा विवरण देता हूँ, जिससे परमात्मा की पहचान हो सके। तबक चौदे मलकूत से, ऐसे पल थे कई पैदास। ऐसी बुजरक कुदरत, नूर जलाल के पास। पाताल से लेकर वैकुंठ पर्यंत के 14 लोक वाले ऐसे अनेक ब्रह्मांड पल मात्र में पैदा हो सकते हैं। ऐसी महान शक्तिशाली प्रकृति अक्षर ब्रह्म के पास है। ऐसे पल में पैदा करे, पल में करे फनाए। ऐसा बल रखे कुदरत, नूर जलाल के। अक्षर ब्रह्म 14 लोक वाले ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों को पल मात्र में उत्पन्न तथा लय करते हैं। अक्षर ब्रह्म की मूल प्रकृति में भी इतना बड़ा सामर्थ्य है। इनमें कोई कायम करे, जो दिल आए चढ़त। सो इंड सारा नूर में, जो दिल दीदो देखत। ऐसे अनेक ब्रह्मांडों में से जो कोई उनके दिल में अंकित हो जाता है उसे वे अखंड कर लेते हैं। वही ब्रह्मांड उनके तेज से प्रकाशित रहता है, जिसको वे अपनी अंतर्दृष्टि से देखते हैं। कायम होत जो नूर से, सो आवे न शब्द माहे। तो रोशनी नूर मकान की, क्यों आवे इन जुबाएं। जो ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड होते हैं
उनका वर्णन भी लौकिक शब्दों में नहीं हो सकता, तो अक्षरधाम के प्रकाश का वर्णन इस नश्वर जीवा से कैसे हो सकेगा। जब थक रही जुबा इत ही ये जो नूरे किया ख्याल, तो आगे जुबा क्यों कर कहे बल सिफत नूर जलाल। अक्षर ब्रह्म अपनी कल्पना मात्र से जो ब्रह्मांड बनाते हैं उनका वर्णन करने में ही जब यह जीवा थक जाती है तो अक्षर ब्रह्म के सामर्थ्य की प्रशंसा यह जीवा कैसे कर सकेगी। ए बल नूल जलाल को जिनकी एह कुदरत, एह जुबाना कह सके बुजरक बल सिफत। यह तो अक्षर ब्रह्म की शक्ति की ही महिमा कही गई है। जिनकी प्रकृति में भी इतना सामर्थ्य है तो उनकी शक्ति तथा महिमा का वर्णन इस जीवा से नहीं हो सकता। सो नूर नूर जमाल के दायम आवे दीदार, ए जुबा अरस अजीम की क्यों कहे सिफत सुमार। ऐसे सामर्थ्यवान अक्षर ब्रह्म भी अक्षरातीत के दर्शनार्थ नित्य प्रति आया करते हैं। ऐसे अखंड परम धाम की महिमा तथा विशेषताओं का वर्णन यह नश्वर जीवा कैसे कर सकती है। नूर जलाल की सिफत को जुबाना पहुंचत, तो नूर जमाल की सिफत को क्यों कर पहुंचे तीत। जब अक्षर ब्रह्म की महिमा का वर्णन करने में ही यह जीवा असमर्थ है तो इससे अक्षरातीत धाम धनी की महिमा का वर्णन कैसे हो सकता है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री खुलासा ग्रंथ के प्रकरण 9 की 12 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।